ना क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 मैं दोनों एक साथ लूंगी, क्योंकि 9 जो है बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ केवल उसमें रेट में चेंज है, अदरवाइज मैं इसे स्किप कर देती। ठीक है, फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन 4096 रुपीस इफ ही हैव इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट 12 1/2%। अब यहां पर रेट मिक्स न्यूमरल में है, पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेडली कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ज्यादातर प्रेफरेंस भी हाफ ईयरली होता है, क्वेश्चन के अंदर भी हाफ ईयरली ही दिया हुआ है। अब हमें केवल टाइम और रेट को प्रॉपर लिखने की जरूरत है। प्रिंसिपल इज 4096 रुपीस, रेट इज 12 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स न्यूमरल आपको ओपन करना होता है, ये मल्टीप्लाई होंगे देन ये ऐड होगा 25/2%। टाइम इज 18 मंथ, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसको हम अगर ईयर में कन्वर्ट करें तो 18 by 12 मीन्स 6 3 18 6 2 12 3/2 ईयर, और इसका भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो 1 1/2 ईयर। जो ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा इसे यूज़ कर सकते, सारा और में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिप, एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, इंटू 1 प्लस आर बाय 200 टू दी पावर, एक बार फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख ही देती हूँ, 2 इंटू n, प्रिंसिपल इज 4096 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर इज ऑलरेडी इन फ्रैक्शन 25 बाय 2, एंड ये 200 फॉर्मूले का है तो यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, बट उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि R itself इज इन फ्रैक्शन, तो वो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 200 है तो नाउ इट इज 400। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये होगा 4096 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस बाय 16 टू द पावर 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज 4096 इंटू 17 बाय 16 इंटू 17 बाय 16 इंटू 17 बाय 16 एंड फाइनली इट इज 4913 रुपीस। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, इसमें केवल एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, मैं स्किप भी कर सकती थी कि इसमें टाइम और रेट पे हमें ध्यान देना था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब हम यहाँ पर साथ में 10th क्वेश्चन ले रहे हैं, जो अभी जितने भी आए उनमें न्यू एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसका एप्लीकेशन भी समझ में आएगा कि हम कंपाउंडेड क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट रेट 5% पर एनम। दो केस हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। सेकेंड पार्ट हम बाद में लेंगे, अभी लिख देती हूँ मैं केवल आपके लिए, बाकी हम सॉल्व बाद में करेंगे। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2001
2005. ना तो इसमें प्रिंसिपल दिया है, ना कोई ऐसी फिगर दी है. इसमें ये दिया है कि 2003 में पॉपुलेशन, ऑब्वियस है पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होती है, कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन हमेशा हर ईयर क्या होती जाती है, इंक्रीज होती है. इंक्रीज्ड पॉपुलेशन दी हुई है, दैट इज 54,000 इन द ईयर ऑफ 2003. रिवर्स सॉल्व करना है हमें, पॉपुलेशन फाइंड करनी है 2001 की. अगर हम इसे अमाउंट और प्रिंसिपल की लैंग्वेज में बात करें तो हमें अमाउंट दिया हुआ है, बढ़ी हुई चीज दी हुई है, इंक्रीज्ड वैल्यू दी हुई है, और हमें जो बेस वैल्यू मीन जो प्रिंसिपल था वो फाइंड करना है. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है और अभी तक हमने ऐसा सॉल्व भी नहीं किया तो हमें कर मजा भी आएगा. अब हम ये वाला क्वेश्चन यहां पे हटा देते हैं. फर्स्ट केस, हम अमाउंट और प्रिंसिपल को इस तरह से लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है और जो हमें फाइंड करना है. हमें फाइंड क्या करना है, एक प्रकार से आप देखें तो प्रिंसिपल फाइंड करना है और हमें गिवन है अमाउंट. तो हम अमाउंट 2003 या पॉपुलेशन 2003 की कितनी है, दैट इज 54,000. आप इसमें अब यूनिट ना लगा दें कि रुपीस लगा दें, ये पीपल है. ठीक है, रेट जो दिया है 5% है. टाइम भी हमें अपने कॉमन सेंस से ढूंढना है. 2003 की बात कर रहे हैं, 2001 के बारे में पूछा है, मीन्स दो साल पुरानी बात कर रहे हैं, 2 years बैक जाने को बोल रहे हैं. तो टाइम तो पीरियड कितना हो गया, 2 years ही हो गया. कंपाउंडेड एनुअली मेंशन नहीं है, मीन्स वो बाय डिफॉल्ट है कि हमें एनुअली ही सॉल्व करना है. और वैसे भी पॉपुलेशन जब भी काउंट होती है वो एनुअली ही काउंट होती है. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ए 203 मीन्स पॉपुलेशन फॉर 2003, ये हमें गिवन नहीं है, जो हमें फाइंड करना है. फॉर्मूला वही है, मैंने सिर्फ उसको ईयर के फॉर्म में लिख दिया है जिससे आपको याद रहे. 54,000, ये तो हमें फाइंड करना है. 1 + RS 5/100 to the power 2, 5 × 5 = 20. 54,000 is equals to P2001 multiplied by 21 by 20. यहाँ पे जो हमें निकालना है उसे हम लेफ्ट हैंड पे रख लेंगे, जो हमें नहीं निकालना है वो सारा हम राइट हैंड पे रखते हैं. तो हमारा हो जाएगा 20 by 21 into 20 by 21 into 54,000. केवल मैंने ट्रांसपोज किया है. ट्रांसपोज करने के बाद जब मैं इसे कट डाउन करूंगी तो आफ्टर सॉल्विंग इट इज 48980 अप्रॉक्स. अगर इसका आंसर डेसिमल में भी आ रहा होगा तो भी आप राउंड फिगर में लिखेंगे, क्योंकि जो पर्सन पीपल और लिविंग थिंग्स होती हैं वो डेसिमल में नहीं कंसीडर की जाती है. पॉपुलेशन हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर में होगी, 2 number 3 number. घर के मेंबर जो होंगे, हमारे घर में 4 member है 5 member है, ऐसा होगा, कभी डेसिमल्स में नहीं होंगे. पॉपुलेशन कम आना चाहिए था, तो देखिए कम आ रही है. इसका मतलब पहले 2001 में इतनी पॉपुलेशन थी, इंक्रीज होते होते 2003 में इतनी हो गई. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005. अब इंक्रीज होगी, अगेन इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें 2005 की निकालनी है. ठीक है, अब मैं इसे रब कर देती हूँ. मैं सॉरी, मेरे पास स्पेस है, मैं वहीं सॉल्व कर सकती हूँ. नाउ अमाउंट इज इक्वल टू, अब हमें निकालना है 2005. नाउ इट इज 2005, यहाँ पर जो हम लेंगे 2003 का लेंगे, क्योंकि हमें 3 से 1 के बारे में कंपेयर करना था. अब 3 से हमें 5 की ग्रोथ पता करनी है. R by 100 to the power n. टाइम अगेन 2 year, क्योंकि 2003 एंड 2005 में 2 साल का डिफरेंस होता है. वैल्यू आपके पास सारी है, 54,000 इंटू 1 + 5/100 to the power 2. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 54,000 इंटू 21 by 20 into 21 by 20 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, फाइनली इट इज 5,9535.
2005 में जो पॉपुलेशन होगी दैट इज 59,535, 2003 की गिवन थी और 2001 की हमने फाइंड कर ली, तो थोड़ा सा डिफरेंट था, एप्लीकेशन पार्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 11th एंड 12th, अगेन मैं दोनों साथ लूंगी, दोनों बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एंड न्यू क्वेश्चन, ठीक है? यू कैन से दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ लैब, एक्चुअली इट्स लेबोरेटरी, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है, रेट ऑफ 2.5% पर आर। अब यहां पर आर आ गया है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आर इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,060,000। क्वेश्चन में बैक्टीरिया वर्ड यूज हो रहा है, आप सब जानते हैं बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होते हैं अगर कोई भी चीज बॉडी या किसी भी में आ जाए, ठीक है, या उतनी ही स्पीड से डिक्रीज होते हैं। बैक्टीरिया चीज ही ऐसी है कि मल्टीपल्स में इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पर एनम, ये कोई रुपए की तो हम बात कर नहीं रहे, सिर्फ रुपीस की बात करते हैं जब हम पर एनम ऐसे यूज करते हैं, बट ये तो बैक्टीरिया है, ये तो पर आर इंक्रीज होगा, ठीक है, और डिक्रीज होगा अगर मेडिसिन प्रॉपरली है तो यहाँ पर आर है और हमें 2 आर की बात करनी है। स्टूडेंट मैं यहाँ आपके लिए फॉर्मूला वही का वही लिखूंगी, बट अब आप ये नहीं समझेंगे कि दिस इज अमाउंट दिस इज प्रिंसिपल, नहीं तो आप कहेंगे मैम यहाँ रुपीस तो कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में ही बताया था ये अमाउंट प्रिंसिपल हम पर्टिकुलर मनी के क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं, बट इस फॉर्मूले का मीनिंग एक बार फिर से समझिए। अमाउंट मीन्स इंक्रीज्ड वैल्यू आफ्टर इंटरेस्ट, कोई हमें बेनिफिट मिलने के बाद जो वैल्यू होती है दैट इज अमाउंट। प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल वैल्यू, अगर मनी के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं या जो हम लोन ले रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल। एन और ये डिसाइड करेगा टाइम जो है, अगर हम ईयरली आरली जो बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम टाइम को काउंट कर लेंगे। यहाँ पर आर की बात कर रहे हैं एंड 2 आवर्स के बाद का रिजल्ट मांग रहे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 आर मीन्स 2 हो गया, तो एन आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्रिंसिपल। तो जो एक्चुअल बैक्टीरिया की कंडीशन है इनिशियल वो आ जाएगी एंड जो 2 घंटे बाद वो इंक्रीज हो जाएंगे तो दैट विल बिहेव एज अमाउंट, बट ये कोई मनी या रुपए की बात नहीं है, बैक्टीरिया इंक्रीज होके कितने हो जाएंगे। तो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला यहाँ पर रुपए के लिए लगे हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करेंगे 5,060,000 1+2.5/100 2^2, हमने 2 इसलिए ले लिया, आप चाहें तो पहले सारा मेंशन कर दें। P हमारे पास मीन्स एक्चुअल वैल्यू कितनी है इनिशियल स्टेज पे, ये थी। R हमारा 2.5% था एंड टाइम जो दिया हुआ था, अब वो 2 आवर्स है, मीन्स हम 2 ईयर की प्लेस पे जरूर रखेंगे बट ये कैलकुलेशन आर्ली हो रहा है, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1+ डेसिमल हटाया तो नीचे एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, 25 बन जा तो यह जाएगा 1/40 2^2, 5,060,000 41/40 × 41/40
नाउ फाइनली इट इज 531 616.25। अब ये लिख सकते हैं या 25 को इग्नोर करके आप इसे 531 616 अप्रॉक्स, क्योंकि बैक्टीरिया है 0.25 मतलब बहुत ही माइक्रो काउंट हो गया है, चाहे तो आप लिखें चाहे तो आप ना लिखें। ये क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पढ़ा, ज़रूरी नहीं है कि वो मनी के लिए यूज़ हो, उसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेबोरेटरीज़ में है, पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन डिक्रीज, आप कोई भी मेडिकल से रिलेटेड बात करें तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन विच इज 12th। अगेन इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000 rupees, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू। आफ्टर वन ईयर मैंने अभी बैक्टीरिया में जस्ट यूज ही किया था कि बैक्टीरिया एकदम से इंक्रीज होते हैं अगर कोई भी बॉडी के अंदर आ जाए, और अगर प्रॉपर मेडिकेशन मिल जाए तो इमीडिएटली डिक्रीज भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है कि मल्टीपल्स में इंक्रीज होते हैं, साथ में डिक्रीज भी होते हैं। सेम हमारा फिक्स एसेट्स के साथ होता है, हम कोई भी कार टीवी स्कूटर बाइसिकल जो भी चीज़ हम बाय करते हैं, जब हम बाय करते हैं वो न्यू होती है, जैसे ही हम उसे शोरूम से घर लेके आते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज होना चालू हो जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए कायदे से, उसकी तो बढ़ना चाहिए, बट नहीं, मशीन है तो मशीन जैसे ही शॉप से घर आती है तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। आप कभी ऐसा नहीं, आपने सुना होगा कि हमने 4 लैक्स की कार ली और 5 लैक्स में सेल करी, या हमने 50,000 का स्कूटर लिया और 60,000 में सेल कर दिया, कभी नहीं होता। मकान हाउस प्लॉट्स इनके साथ ज़रूर होता है कि हम इन्हें कम पैसों में लेते हैं और ज़्यादा में सेल कर सकते हैं, बट मैकेनिक से रिलेटेड मशीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड जितनी चीज़ होती है वो डेप्रिशिएट ही होती है। तो अब यहाँ पर ये एक और एप्लीकेशन बचा था, तो देखिए वो भी आ गया कि डेप्रिशिएट हो रहा है। स्कूटर जो था वो बंदे ने कब लिया था, जो भी लिया था 42,000 rupees में लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, आफ्टर वन ईयर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आंसर पहले ही बता सकती हूँ कि कम आएगा ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझाया। ये जब होता है जब हमारे पास कोई एक बेस वैल्यू है, जैसे जो भी अमाउंट है या पर्टिकुलर बाइंग रेट है जो भी है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तब ये अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट मतलब ये बढ़ा हुआ वैल्यू होता है, यहाँ पे इसलिए क्या साइन होता है, प्लस होता है, तभी तो इंक्रीज हो रहा है। बट अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज का, फॉर्मूला यही रहेगा, केवल यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा माइनस का। वाई माइनस, बिकॉज द प्राइस इज डेप्रिशिएटिंग, और जैसे यही बैक्टीरिया का क्वेश्चन इंक्रीज की जगह डिक्रीज का होता तो हम पूरा सॉल्व वैसा ही करते, केवल यहाँ पर क्या कर देते, माइनस कर देते। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ लिए कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज का भी वेल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अमाउंट हमेशा इंक्रीज्ड होता है जब यहाँ पर प्लस है, या यह कह सकते हैं कि यहाँ प्लस है तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, बट अगर कोई चीज़ डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ प्लस होगा तो कैसे पॉसिबल होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस होने से वो डेप्रिसिएशन अपने आप ही शो कर रहा है। ठीक है, सॉल्व वैसा कि वैसा ही करना है, कोई चेंज नहीं है, बस हमने माइनस को यूज किया। टू द पावर, एक ही साल की बात कर रहे हैं,
इसको हमने कट डाउन किया, टू फोर ज़ा, टू फिफ्टी ज़ा, टू टू ज़ा, टू 25 ज़ा, 42,000। अभी तक हम इमीजिएटली ऐड करते आ रहे थे, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 42,000 इंटू 23/25, 1 है पावर तो एक ही बार लिखा जाएगा, सो फाइनली इट विल इक्वल टू, मेरे पास आंसर है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 38640 रुपीस। जैसा आपको पता था कि वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी तो मतलब डेफिनेटली कम आएगी, ठीक है। तो देखिए 42,000 का स्कूटर था, एक साल बाद ही उसकी प्राइस कितनी कम हो गई है। सो स्टूडेंट, ये पूरा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, उसकी पूरी एनसीईआरटी प्लस बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए। मैं आपसे केवल एक ही उम्मीद करती हूँ कि अब आप सेविंग स्टार्ट करें, सेविंग स्टार्ट करके अपना बैंक में अकाउंट खोलें। ये पढ़ने का हमें अगर प्रैक्टिकल यूज़ करना है तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग के बाद आप उस अमाउंट को, उस जो मनी है उसको बैंक में डिपॉजिट करें या अपने पेरेंट्स के पास रखें और उनसे कहें कि हम हाफ ईयरली और वन ईयरली और टू ईयरली थ्री ईयरली बाद हम देखेंगे कि ये कितना हो जाता है, तो आपको खुद इसका एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है।